गाइस, अगर आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं एक महीने में 10 किलो तो डेफिनेटली आपको भी ये टर्मरिक टी जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये बहुत इफेक्टिव है, आप गर्मियों में भी इसका सेवन कर सकते हैं और सर्दियों में भी। हल्दी की तासीर गर्म होती है, जानती हूँ, इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी बहुत लिमिट की रखी है, जिसका कोई भी नुकसान नहीं है, हर किसी बॉडी टाइप को सूट करेगी। आपको जैसे ज्यादा चीजें गर्म या डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन बताया तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज PCOS, PCOD, थायराइड, जिसमें कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो जाता है, जिससे कि वेट लॉस करना इम्पॉसिबल है, तो आप अगर इस टर्मरिक टी को पीना स्टार्ट करेंगे मेरे बताए इस तरीके से, तो डेफिनेटली आप भी अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। आप भी अपनी बुरी सी चर्बी को दूर भगा के अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इसके फायदे। गाइस, हल्दी एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण से भरपूर होती है। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा रखती है, जमे हुए फैट को काटती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को खत्म करती है, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। जो लोग बहुत ज्यादा थका हुआ फील करते हैं, लो एनर्जी सा फील करते हैं, थोड़ा सा काम नहीं करते, उनको थकान होने लगती है, तो वो अगर इस चाय का सेवन करेंगे उनके अंदर इंस्टेंट एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। आप थोड़ा सा भी खाना खाएंगे वो आपको फटाफट डाइजेस्ट होकर आपके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा रखती है। आपकी स्किन बिल्कुल डल पड़ चुकी है, पिगमेंटेशन आ चुकी है, तो अगर आप इस चाय का सेवन करेंगे तो आपकी सन टैन, जितनी भी पिगमेंटेशन आ चुकी है, सब खत्म हो जाएगी। गाइस, हल्दी यानी टर्मरिक टी क्या करती है, हमारी डाइजेशन को बूस्ट अप करती है। अगर आपको कब्ज रहती है तो वो ठीक हो जाएगी, आपको ब्लॉटिंग की समस्या, एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, तो अगर आप इस चाय का सेवन करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी जड़ से। जी हाँ, इसमें हमने ऐड करा है आधा चम्मच हल्दी और साथ में इसमें मैंने ऐड किया है 1 स्पून हनी। हनी इसलिए ऐड किया है क्योंकि हनी आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। आपकी स्किन बहुत डल हो चुकी है तो उसको रिड्यूस करता है, आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड जो वेस्टेज टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करने का काम करता है। तो ये भी आपके जितना भी वेस्ट टॉक्सिन्स है, जमा हुआ फैट है, बहुत जिद्दी फैट है, उसको रिड्यूस करेगा। तो आपको इसको पीना है सुबह जब आप फ्रेशअप हो गए, तो खाली पेट इसको आप पी लीजिए। उसके 1 घंटे बाद ही आपको कुछ खाना और पीना है। जो लोग शुगर पेशेंट है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं इसमें हनी डालना। तो अगर आपको कोई सीरियस ऑपरेशन हुआ है या अगर अभी आपकी डिलीवरी हुई है या प्रेगनेंसी है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके पीना चाहिए। 1 ग्लास आप पानी डाल लीजिए बॉयलर में। चाय आप ये ड्रिंक गर्मी में पिए या सर्दी में, आपको यूज करना है 1/2 स्पून हल्दी। 1 ग्लास पानी जब आप बॉइल कर रहे हैं उसमें ऐड कर लीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। क्योंकि अच्छे से बॉइल हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कड़ेगा, आपको 1.5 ग्लास पानी की जरूरत है तो वो आधे 1 ग्लास में कन्वर्ट हो, इतना पानी इनफ है। जब अच्छे से बॉइल हो जाए हल्दी तब इसको हम छान लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए अच्छे से बॉइल हो चुका है। अगर आप इसी मेथड से पिएंगे, बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपका पुराने से पुराना जितना भी चर्बी है वो बिल्कुल लूज होने लगेगी, हटने लगेगी। लेकिन आपको ऐसा करना है फॉलो मेरे बताए हुए तरीके से, उतने ही दिन आपको इसको रेगुलर पीना है तो ही आपका वेट लॉस पॉसिबल है गाइस। तो चलिए अब इसको हम छान लेंगे, ये प्रॉपर बॉइल हो चुका है। रेमेडी के लिए आपको ध्यान रखना है, हमेशा कांच का ग्लास ही यूज करना है और जो स्टील की छन्नी है उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टील के ग्लास में और प्लास्टिक की छन्नी में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे ड्रिंक में ऐड हो जाते हैं जब वो हीट होती है, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि कांच का ग्लास और हमेशा स्टील की छन्नी का ही यूज करना है। कोई भी गर्म चीज अगर आप छानते हैं घर में, नॉर्मली भी चाय वगैरह भी, 1 स्पून इसमें हम हनी ऐड कर लेंगे क्योंकि लुकवार्म वाटर में कन्वर्ट हो गया। और ये हमारा हो गया हल्दी वाली चाय रेडी। तो इसको पीना कैसे है वो सब वीडियो में देखते जाइए और अपनी हल्दी वाली चाय एंजॉय करिए मेरे साथ। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। आपको मेरा ये रेमेडी कैसा लगा तो फटाफट से देख के आ रहे हो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो भर भर के, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा मोटापा ही है। हर दूसरा बंदा YouTube पे, Google पे सर्चिंग यही करता है कि फैट कैसे लॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बिजी है कि एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, स्ट्रेस लेवल कम नहीं होता, कभी घर की टेंशन, कभी बॉसेस की डांट की टेंशन, तो उसको तो रिड्यूस नहीं कर सकते यार। तो कम से कम इसको तो पीकर अपना बॉडी वेट तो बढ़ाने से रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक चीज क्लियर कर देती हूँ, रेमेडी कोई भी मेरे चैनल पर देखते हो तभी वर्क करेगी जब आप स्लाइटली सा वर्कआउट भी करेंगे। तो थोड़ा सा वर्कआउट भी जरूरी है, ज्यादा नहीं, 15 मिनट करिए, वार्म अप करिए, आप रस्सी कूद लीजिए। जो एक्सरसाइजेस है मेरे चैनल पर आप उनको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं ईशा मेहरा 89, फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कंट्रोल करें, मीठा अपनी डाइट से कट ऑफ कर दें, ज्यादा सॉल्टी चीजें ना खाएं, वो भी हमारा वेट बढ़ाती है क्योंकि वो वाटर वेट ज्यादा बढ़ा देती है हमारी बॉडी में। तो इस चीज का ध्यान रखें, साथ ही साथ हेल्दी फूड खाएं और बहुत ढेर सारा पानी पिएं, और सबसे बड़ी बात खुश खुश रहिए। जो स्ट्रेस देता है उसको मारो गोली।
बोली उसे बात करना बंद कर दो और अपनी लाइफ एंजॉय करो यार, और अपने आप को हेल्दी रखो। तो खुश खुश रहो, बिंदास रहो और एंजॉय करो। लव यू ऑल, बाय।